बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसा कि पिछले वीडियो में उन्हें बताया था कि आप अपने स्पीड को कम ना करें, आपको कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते रहना है। आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें बहुत सारा आपके लिए टाइम है, बट सेकेंड टर्म में आपको उस टाइम कम है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको स्टडी और स्पीड को मेंटेन रखना है, और मुझे विश्वास है कि आप मेंटेन रख भी रहे हैं। आज बच्चे, आपकी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि CBSE बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है फर्स्ट टर्म का, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, वो कंप्लीट आपका MCQ बेस कर दिया है। बहुत सारे बच्चे, आप या आपके दोस्त या सभी परेशान हैं कि हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, MCQ में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और मज़े की बात है कि आपका अभी कहीं पर भी मार्केट में MCQ की बुक भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितने भी बुक्स, चाहे हमारी बुक हो चाहे किसी और ऑथर की हो, वो पहले ही प्रिंट हो गई थी और उसके बाद CBSE का नोटिफिकेशन आया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चे, आपको हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट 100% MCQ का लाइव सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं हमारे COC 11 टूल क्लास के चैनल पे। जितने भी एग्जाम में MCQ बन सकते हैं, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स को, बिजनेस स्टडीज के, तीनों ही सब्जेक्ट के 100%, यानी कि 100%, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थियोरी हो, चाहे वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क्स का, जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबकी तैयारी हम लोग आपको इस चैनल पे लाइव सेशन में कराएंगे। प्रॉपर हमारा इंटरेक्शन भी होगा, आपको कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, आप उस समय हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारा जो, मेरा जो, पहले मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूँ, फिर विनीत सर से हम बात करेंगे उनके इकोनॉमिक्स और BST के बारे में। मैंने अकाउंट्स में खासकर ध्यान रखा बच्चे कि किसी भी चैप्टर में आपका एग्जामिनर MCQ में जहाँ तक सोच सकता है उससे भी एक कदम आगे निकल के मैंने MCQ तैयार किया हुआ है। आपके जितने भी ट्रिक्स बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्राई करते हैं तो उसमें 4 मिनट 5 मिनट लगता है, उसको 1 मिनट में कैसे करें, 30 सेकेंड में कैसे करें, इनका भी ट्रिक्स मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक मार्केट में जितने भी बच्चे हैं उनको एक गलतफहमी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलतफहमी है कि MCQ मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा बच्चे। अगर आप CBSE के पैटर्न को देखें तो उन्होंने आपको 40 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया हुआ फर्स्ट टर्म के अंदर में, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। मेरे जो बाकी CA CMA CS के बच्चे, उनको पता ये बात, आपको शायद अभी छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पता पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चे कि एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का MCQ आ जाए, मतलब एक क्वेश्चन हो जिसमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगा और वहाँ पर वो 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है 3 मार्क्स का MCQ बन जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंप्यूटेशन होगा, ज्यादा कैलकुलेशन होगा। 1 मार्क में कम कंप्यूटेशन होगा, फटाफट आंसर दे सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होगा, 2 में थोड़ा लेंदी आंसर होगा, 3 में और लेंदी होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने MCQ सीरीज आपका तैयार किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे 12th क्लास में चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें कम से कम 400-500 क्वेश्चन बनाए हुए मैंने, जबकि मतलब हैरानी होगी कि 400-500 क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर में, लेकिन हाँ बच्चे, क्योंकि जहां जहां एग्जामिनर सोच सकता है सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। जो मुझे, जो क्लास में कराने का, जो लाइव सेशन के अंदर में मेरा जो पैटर्न होगा, उसमें मैंने क्या किया है कि जैसे एक तरीके के 4 क्वेश्चन हैं, जिन जिन क्वेश्चन को लाइव सेशन में मैं आपको कराऊंगा, वो तो मेरे साथ, उसका आंसर मेरे नोट्स में नहीं होगा। जो लाइव सेशन में नहीं कराऊंगा बच्चे, उनका आंसर मेरे नोट्स के अंदर में होगा। तो बेटर होगा कि क्लास शुरू होने के पहले आप नोट्स को पहले डाउनलोड कर लेंगे, और नोट्स को डाउनलोड करके उसी में आप अपना सब कुछ फील करेंगे, जो आंसर होगा जैसे जैसे मैं कराऊंगा। तो ये पैटर्न को आप लेके चले। ये तो मेरा अकाउंट्स का हुआ। एक बार देखते हैं कि विनीत सर ने इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडी में क्या तैयारी किया है, क्या उनका पैटर्न होगा आपको रिवीजन कराने का। विनीत सर प्लीज बताएं बच्चों को। हाँ एग्जैक्टली सर, जो चीज़ आपने अभी अकाउंटेंसी में बताई उस चीज़ का ध्यान भी हमने इकोनॉमिक्स में और BST में रखा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अकाउंट्स के मुकाबले जो इकोनॉमिक्स है और BST वो थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम पास्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स में BST में हमें हेडिंग पता चल गई तो हम आसानी से डिस्क्रिप्टिव आंसर उसका लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली MCQs में जब हम इकोनॉमिक्स की और BST की बात करते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, टिपिकल कंटेंट हमारा बढ़ जाता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके चैप्टर वाइज MCQs हमने तैयार करें, साथ ही
कॉन्सेप्ट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज से सर काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछले ईयर्स में जब हमने डिस्क्रिप्शन की बात करी, बट अभी एमसीक्यू होने की वजह से क्या उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्या क्या वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसा अभी आपने अकाउंटेंसी में बताया कि जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है वो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछने के चांसेस है, ऐसे कुछ नोटिफिकेशन है नहीं अभी तक बट हमें लगता है ऐसा होगा। और उसी तरीके से बीएसटी और इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडी को डालते हुए हमने एमसीक्यूज तैयार करें ताकि जो एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट हैं बच्चों के वो भी इम्प्रूव हों। खास भी हमें 11th 12th क्लास टारगेट नहीं करनी, फ्यूचर में उनको क्या नॉलेज मिलती है अपने अदर प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए उनको ध्यान में रखते हुए भी हमने एमसीक्यूज तैयार करें। अच्छी बात है, मतलब ये पक्का है कि हमारे बच्चे मतलब इस बार रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पक्का सर, डेफिनेटली। मैं पूरी एक चीज और बताओ बच्चे कि पिछले और पिछले साल एक्चुअली हम लोग 2 साल से 11th 12th क्लास के सेशन में सीरीज में आपके साथ हैं। इसके पहले हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल बच्चों को पढ़ाया करते थे CA CMA CS। 11th 12th क्लास में आने का रीजन था कि बच्चों को बहुत स्टार्टिंग में ही उनके करियर के बारे में बताना शुरू करें, और आप लोग हमारे लेक्चर्स में देख भी रहे होंगे हमने हर एक लेक्चर में आपको प्रॉपर आगे डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने आपका डिस्कशन किया हुआ है ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। हमारे डाउट सेशन भी आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पर आपके साथ होते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि हमारे ये बच्चे जो 99, 99, 98, 96, 94, 92 पता नहीं अच्छे अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्ट्रेटजी में लेकर आए हैं, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार का हमारा मतलब आप हमारा रिकॉर्ड तोड़ें, हमारा मीन्स किन बच्चों का। हाँ, मैं रिकॉर्ड की सर बात करना चाह रहा हूँ, मतलब ये बच्चे, ये जो 99 है ना, ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है। हमें चाहता हूँ सर यहाँ पे 100 दिखे, यहाँ भी सारी 96, 94, 92, 91 क्यों दिखेंगे, यहाँ भी 100 में दिखे, और 100 सिर्फ अकाउंट्स में ही क्यों दिखेंगे या सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही क्यों दिखेंगे? आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में 100 लाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है। आपको हमारे साथ दौड़ लगाना होगा। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको बोलें इस चैनल पे आने के लिए, क्योंकि बच्चे ये फ्री सेशन होगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो उस केस में वो पहले से जो चीज़ पढ़ाई कर चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने इसको लाइव सीरीज किया है। आपको पता है कि अभी क्लासेज आपको आपके जो हमारे जो इनक्रिप्टेड क्लासेज आती हैं उन उसमें भी दिया जा सकता था, लेकिन मोटिव सिर्फ यही है कि सारे बच्चे इसका फायदा उठाएं और अच्छी तरीके से तैयारी करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। हमारा चैनल जो 11 12 क्लास को लेकर है वो COC क्लास 11 12th ये इस नाम से हमारा चैनल है। तो आप या तो इस वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं या फिर किसी और चैनल पर देख रहे हैं। तो मेरे बच्चे, आपको जो बच्चे इस चैनल पे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं या कर लेंगे, जो दूसरे चैनल पे देख रहे हैं वो भी बच्चे इस चैनल पे आके, इसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल पे आ सकते हैं और आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आगे आए उन सबको आपको टाइम पर मिलते रहे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, ये टाइमिंग का, हाँ टाइमिंग वाला मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया कि ये आई थिंक सेकेंड इसका स्लाइड था। हाँ, ये बच्चे 11th क्लास और 12th क्लास का जो लाइव सेशन होगा अकाउंट्स का वो इस चैनल पे 5:30 से 7 o'clock के बीच में होगा, मतलब ये टाइमिंग आपका होगा। स्कूल से फ्री हैं सर, स्कूल से बच्चे फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनके सारे फ्रेंड्स भी फ्री रहेंगे। Exactly. और मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हम लोग वहाँ पे ना आपका टाइमर गेम भी खेलेंगे। कितने टाइम पीरियड में आप पहले कर रहे हो या आपके दोस्त पहले कर रहे हैं, तो सभी के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे हमसे पढ़े हुए या जो भी बच्चे हैं वो कितनी जल्दी करते हैं, मज़ा आएगा कंपटीशन फेस करने में। तो आप यहाँ पे 5:30 से 7 o'clock अकाउंट्स का होगा, इसमें 11th क्लास का कब होगा, 12th क्लास का कब होगा, या इकोनॉमिक्स का जो टाइमिंग और BFT का 4 to 5:30 5 o'clock का है, इसमें 11th क्लास का कब होगा, 12th क्लास का कब होगा, इकोनॉमिक्स कब होगा, BFT कब होगा, इसका डिटेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपका नोट्स है उसमें हमने लिख के दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें। हमारे साइट पे www.coceducation.com पे भी जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी रखें आप बेहतर तरीके से। हाँ सर, कुछ बोले आप शायद, मुझे लग रहा है। इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसका काफ़ी ध्यान हमें रखना है सर। इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड एक बार आप, हाँ जी, यस एग्जैक्टली, देखो हाँ इससे नेक्स्ट वाली सर,
देखिए हमारा जो टारगेट है ना, आपको सिर्फ पढ़ा दिया, आप तक हमने नोट्स पहुंचा दिए और आप अपने हिसाब से करिए, नहीं इतना नहीं है। देखिए सीओसी की टीम हमारी प्रॉपरली आप सभी के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली करिए, क्लास देखिए, दैट्स इट, इतना नहीं है। हमारी जो पूरी टीम है सीओसी की, वो रेगुलरली सभी स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रही है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर कॉल जाती हैं, हम उनसे उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं, कितने चैप्टर्स उन्होंने कर लिए हैं, कितना कंटेंट उन्होंने कवर कर लिया है, उसके बिहाफ पे चैप्टर वाइज उनको रेगुलरली उनके एमटीपीस जो हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, वो जा रहे हैं। सिर्फ जैसे बच्चे, जैसे सर बच्चे ने चैप्टर कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद ही जो हमारी एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है उनको कॉल करती है, उनको कॉल करती है और कॉल करके उनको बताती है इस बारे में कि हाँ जी आपने इस चैप्टर को खत्म कर लिया, या फिर आप अगर पूरे स्पीड में नहीं पढ़ रहे हो, आप बीच में गैप ले रहे हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए भी कॉन्टिन्यूस कॉल करती है सर, कॉल कर रहे हैं। और वो रेगुलरली सर टेस्ट तो वो ले रहे हैं, टेस्ट लेने के बाद उनके नंबर उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और कमी क्या है उसके ऊपर भी काम करा जा रहा है। आपने तो ये मतलब ये इन्होंने क्या बताया, हो सकता है ऐसे तो जो हमारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता है, उनके पास कॉल जा रहे होंगे, सब कुछ हमारी टीम आपके टच में है, लेकिन जिन बच्चों के पास कॉल्स नहीं जा रहे होंगे, आप ऑफिस में फोन करके आप, या फिर इस हाँ ऑफिस में फोन करके आप वहाँ पे उनको बोल सकते हैं कि आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा है उस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सर, हो सकता है दो चार बच्चे मिस हो जाए, तो आप उसमें शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ क्या क्या आपके साथ हो रहा है, जैसे ही क्लासेज आपके पास जाती है, आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कॉल जाना यहाँ से कि हाँ जी आप पढ़ना शुरू करें, और आपको एक पेस देना, मतलब लाइव क्लास से भी ज़्यादा बेहतर बनाने की हमने कोशिश किया हुआ है। जिस चैप्टर को आपने एंड कर लिया है, चाहे वो अकाउंट्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बीएसटी का हो, वे एंड करते ही हम उसका प्रॉपर टेस्ट आपका लेते हैं, आपके एग्जाम के पैटर्न पे। टेस्ट लेने के बाद आप आंसर शीट हमारी टीम को भेजते हैं, और उस आंसर शीट में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी आपको बताया जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है। अगर मार्क्स कम है तो अगली बार और मेहनत करना है, मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि आपको 100 मार्क्स लाने की तैयारी कराएं बच्चे। और आप जानते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत ही मतलब मेहनती बच्चे, आप करते भी करते हैं, तो हमारे सारे बच्चे इस चीज़ से जुड़े हैं, इस चीज़ को करें। हमने बताया आपको कि हमारा टारगेट क्या है, और देखना देखना भी चाहता हूं कि आप में से कौन बच्चा है जो हमारे इस चैनल को वो ये आपके इस टारगेट को अचीव करता है। मैं वो स्लाइड कहीं चला गया सर शायद, वो ये रहा, ये मैं ये चाहता हूं कि ये किसी कोई ब्रेक करे मुझे, यही बस हमारा मकसद है। दूसरी बात कि हमारी और भी क्लासेस चलती हैं, सबको पता है कि सी एस पहले हमारी मेन क्लासेस उसी में चलती थी, हमने जैसा बताया कि 11-12 क्लास अभी 2-3 साल से लॉन्च किया है। तो बच्चे वो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आपके चैनल पे, जो बड़े बच्चों का चैनल है, और आपके कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स, कोई दोस्त अगर 11-12 क्लास में है, तो आप उनको बोलें कि इस चैनल पे आके अपना जो उनका नॉलेज है उसको अपग्रेड करें, और संतोष सर एंड विन सर के साथ जुड़े, यानी कि सीओसी एजुकेशन के साथ जुड़े। और कोई भी सर इसमें सर ये जरूरी चीज़ है हमारी, हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको आपके सीएसी में सीएस बीकॉम या 11-12 क्लास के बारे में आपको जानना है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर साइट पे जा सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई और भी परेशानी है, कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट टाइप करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करेगी। तो लास्ट में आप सबको ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करें बच्चे, और देखते हैं कि कौन आगे निकलता, आप में से कौन बच्चा मतलब आगे बढ़ता है। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू बच्चे। Hey there, this is Kovan Mishra of class 11 and also student of CA. This is Priya, I'm a student of CA Foundation. I'm Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I'm also very thankful to Santosh sir, he's really a very nice teacher. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagra concept over accountancy. Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. मुझे वेद कुमार सर की पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगी, जिस टेक्निक से उन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया। The wonderful style of teaching of Santosh sir has made accounts very interesting to me and it has become the most favorite subject of mine. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks.